जय श्री कृष्णा सभी को, राधे राधे। गाइस, आज हम एक नया ब्लॉग शूट करेंगे और इस ब्लॉग में आपको एक वर्चुअल ट्रैवल कराएंगे फिरोजाबाद से दिल्ली, बिना पैसे दिए फ्री में घूमो भाई। आज की वीडियो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ना तो गर्मी में परेशान होना है, ना बस तक जाना है, ना कहीं उतरना है, ना कहीं चढ़ना है। बस ब्लॉग देखते रहो और यहीं से बैठे बैठे मैं आपको घुमा दूँगा दिल्ली तक, टेंशन फ्री रहो। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, नीचे से लेके जाऊंगा नेशनल हाईवे 19 से और ऊपर एक्सप्रेसवे से और सीधे सीधे दिल्ली टच। ब्लॉग के शुरुआत में सबसे पहली बात तो ये है कि ये बता दो भाई, आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, कम से कम 47-48 डिग्री का टेम्परेचर है, रिकॉर्ड में है बाकायदा। अपने आगे कमेंट में बता दो, ठीक है भाई। चलो जी, तो अब सीधे बिना टोल टैक्स, टोल टैक्स का कोई झंझट नहीं है, सीधे आ गए एक्सप्रेस वे पर। भाई हैवी ड्राइवर है अपने, सबसे मजे की बात यह है कि भाई गर्मी में भयंकर नींद आ रही थी सबको, जितने भी पैसेंजर थे। और उससे भी मजे की बात यह है कि जो ड्राइवर साहब को नींद आ रही थी पूरी रास्ता, बंदे ने आँख जब झपकाते पहुँचाया। मुझे तो लग रहा था कि दिल्ली की जगह कोई और ना पहुँचा दे, बट लक पता नहीं किसका अच्छा था, मेरा कि ड्राइवर का, पहुँच गया। और ये देख लो मीटर बोर्ड, यहाँ से नोएडा 185 और दिल्ली 197, समझ गए? तो सीधे नोएडा या दिल्ली कुछ ना कुछ पहुँचा ही देगा। और ज़्यादा बढ़िया सो जाता तो बढ़िया टिकट काटता, बट चलो किस्मत बढ़िया थी जो बच गए। भाई 2 मिनट के समय में आपको मैंने फिरोजाबाद से और ये नोएडा कट पे पहुंचा दिया। मैं देख लो, ये सामने मेट्रो मेट्रो के दिख रहे हैं, ब्रिज व्रिज बन रहे हैं, समझ गए? 2 मिनट में पहुँचा दिया घर बैठे ही बैठे। काहे के लिए टेंशन ले रहे हो भाई, वीडियो देखो, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, घर बैठे देखो सब कुछ, दिल्ली नोएडा सब घूम दो। गर्मी बहुत है यार, काहे के लिए बाहर जाना, टेंशन फ्री रहो। और जी हमारे आगे जैन साहब बैठे हैं आगे, खादी के कपड़े पहन के बढ़िया, इनकी नौकरी सरकारी रोडवेज में कोई मुंशी मुंशी क्लर्क मिलर हैं, फिरोजाबाद से बैठते हैं और नोएडा डेली 10 बजे ऑफिस चालू हो जाती, 1 बजे ऑफिस पहुंच जाते, 5 बजे उधर से चले आते हैं, टेंशन फ्री। पता नहीं कैसे सरकार नौकरी दे रही है मुझे, बट ठीक है। अब मुझे इतनी सारी बातें कैसे पता, इसलिए पता क्योंकि ये बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, गाड़ी में जा जा के स्कीम बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। अब एक मजे की बात और बताऊँ मैं आपको, जो ड्राइवर के लिए रियर व्यू मिरर लगा है ना, जो बीच में ऊपर शीशे के ऊपर दिख रहा है, उसमें आप नोटिस करोगे कि ड्राइवर ने काला चश्मा लगा रखा है, समझ में आया? वो काला चश्मा इसलिए लगा रखा है कि बार बार जब वो सोता था तो मैं उसकी तरफ देख लेता, बेचारा देख के फिर जग जाता था, फिर उसने लगा लिया काला चश्मा। अब ना साली आँखें दिखेंगी, ना किसी को पता लगेगा वो सो रहा है कि जग रहा है। हाँ भाई, सिस्टम है ड्राइवर का भी अपना सिस्टम। तो अब पहुँच गए हम परी चौक, परी चौक पे पूरा जो बॉलीवुड का महकमा है, सारे स्टार्स यहीं रहे हुए। अब जिद देख लो, अब इन स्टार को ये पकड़ के लाएगा अंकल, ये अंकल की क्या ही कहना, वैसे 2-4 गालियां बक देता, पर ये पब्लिक ब्लॉग है इसलिए कोई बात नहीं। देखो अंकल गया है सवारी वारी पकड़ने, पकड़ ला भाई अंकल, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम कर ले, वैसे भी लेट ऑफिस जाता है। फिर अंकल ने भाई गाड़ी वाड़ी लगवा के साइड में, समझ रहे हो, बढ़िया आवाज़ लगाई, आवाज़ मैंने थोड़ी अंकल की म्यूट कर रखी है, जिद देखो भालू हुए अंकल क्या है, पकड़ लाया सवारी बहुत चालाक है भाई। देखो यार तेरी ये आया मिथुन चक्रवर्ती सीधा बंगाल से, पूरा मोचा मोचा लगा के गर्मी में। और लेडीज एंड जेंटलमैन वी वेलकम, ये कौन है? अच्छा जैकलिन फर्नांडिस, वाह, ठीक है भाई, फ्री में घर बैठे बैठे सब कुछ घुमा दिया, स्टार विस्टार से मुलाकात करवा दी, जैकलिन दिखवा दी,
अब तुम सब्सक्राइब करो, लाइक फॉलो कर लो, टेंशन फ्री रहो, आगे भी इंतजार करना, ब्लॉग ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।